गाइस गाड़ी खड़ी करने के बाद जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पार्किंग पर लड़ाई चल रही है भाई। ये है एयरपोर्ट का मेन गेट। जैसे एंटर होते हैं तो मुझे आप देख लें। जैसे ही एयरपोर्ट से अंदर होते हैं तो राइट साइड पर मिलता है अल बेग, जो सऊदी अरब का मशहूर फेमस फूड है। यकीनन गाइस आपने एयरपोर्ट के अंदर ये फिश पॉइंट देखा होगा। जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो सामने आपको ट्रेन स्टेशन मिलती है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। आने वाले हजरत जैसे ही निकलेंगे एयरपोर्ट से तो उनको अल बेग मिलेगा। राइट साइड पर देखेंगे तो मोबाइल और जैन सिम मिलेगी, जो ये लेकर अपने प्यारों से बात कर सकते हैं। खैरियत मालूम गाइस, भाई आपका एयरपोर्ट के अंदर आया तो ऐसा हो नहीं सकता कि फिश पॉइंट आपको ना दिखाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल फिश मौजूद हैं जो कि तैर रही हैं अंदर। अब चलेंगे ऊपर गाइस। देखिए गाइस, जो आप सामान अपनी अरबी पर लेकर जाते हैं उनको अरबियों को इकट्ठे करके कैसे लेकर जाया गाइस। तो आपके भाई को भी लगी है प्यास टाइट वाली, सो मैं खड़ा हूँ अलबेग के सामने। यहाँ पर रश है, लाइन में खड़ा हूँ। फाइनल गाइस मैंने ले लिया है मिनरल वाटर और अब चलते हैं ऊपर। सो गाइज आपका भाई जा रहा है ऊपर। ऊपर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन वाली साइड अख्तियार करेंगे। सो गाइज मैं लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रहा हूँ और गाइज ये नीचे मंजर है, ऊपर से देखें। सो गाइज फाइनली ये इंटरनेशनल जिद्दा किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट के ऊपर वाला ये मंजर है जो कि आप लोगों के सामने है। इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, नीचे ऊपर से देखें तो बेहतरीन बनाया गया। ये ट्रेन स्टेशन है, ठीक है, इसके सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नीचे से रास्ता इन दोनों। गाइस जैसे आप एयरपोर्ट में एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पर जिद्दा का मंजर दिखाई देता है जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत है। सो गाइस चलते हैं इंटरनेशनल जिद्दा किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट के अंदर के मनाजर देखाते हैं। C2 गेट से इंटर होंगे। जब भी आप क्रॉसिंग करें तो गाड़ियों का ख्याल करें, ख्याल से गुजरें और C2 गेट से हम इंटर होंगे। गाइस जैसे ही C2 गेट से एंटर होते हैं तो अंदर एयरपोर्ट का मंजर कुछ इस तरह होता है। ब्लू ब्लू लाइटें दोनों अतराफ दिखाई देती हैं। गाइस अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। खाने पीने सब कुछ अशियातें मौजूद। गाइस आप जैसे गेट से एंटर होते हैं तो आपको सामने से ये LCD मिलती है जहाँ पर तमाम परवाजें की डिटेल मौजूद है। गाइस ये है सऊदी अरब का पुराना बादशाह। गाइस भाई आपका वापसी जा रहा है C1 गेट से और C1 गेट ये है और यहाँ से हम निकल करके बाहर का कुछ इस तरह का मंजर देखते हैं। यहाँ पर लातादाद लोग आ रहे हैं जो अपने मुल्क अपने कंट्री सफ़र कर रहे हैं। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर YouTube पर वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें।